गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच एसएसटी ऑफ क्लास वन. ओके स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. टुडे आई टीच यू सेकेंड चैप्टर, सो लिसन केयरफुली. दिस इज योर सेकेंड चैप्टर, मी एंड माय फैमिली, मैं और मेरा परिवार. अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव टुगेदर विथ लव एंड केयर फॉर वन अनदर. एक फैमिली जो है एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें लोग एक साथ रहते हैं, किसके साथ, प्यार और केयर फॉर वन अनदर. एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे का केयर करते हैं, मतलब देखभाल करते हैं. सम फैमिलीज हैव मेनी मेंबर्स एंड सम हैव अ फ्यू मेंबर्स. कुछ फैमिलीज में ज्यादा मेंबर होते हैं, मतलब ज्यादा लोग होते हैं, और कुछ में क्या होते हैं, कम लोग होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिली. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिली. कितने काइंड्स, फैमिली के कितने काइंड्स होते हैं, तो दो होते हैं, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिलीज. स्मॉल फैमिलीज एंड बिग फैमिलीज, मतलब एक छोटा परिवार और बड़ा परिवार. माई फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली, मेरा परिवार एक छोटा परिवार है. आई लिव विथ माई पेरेंट्स एंड सिस्टर. मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ और अपने सिस्टर के साथ रहता हूँ. सच अ फैमिली इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर फैमिली. ऐसी फैमिली को हम लोग किस नाम, फैमिली के नाम से जानते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली के नाम से जानते हैं. देयर आर फोर मेंबर्स इन माई फैमिली. देयर आर फोर मेंबर्स, उस फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, तो फोर मेंबर्स होते हैं. आई लव माई सिस्टर, मैं अपने सिस्टर से प्यार करता हूँ. आई लाइक टू प्ले विथ हर, मैं उसके साथ खेलना पसंद करता हूँ. माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अनदर सिटी. मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहाँ रहते हैं, दूसरे सिटी में रहते हैं. दे कम टू मीट अस ओकेजनली, वो हम लोग से मिलने के लिए कभी कभी, वे लोग जो है हम लोग से मिलने के लिए कभी कभी आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. मैं आप लोगों को कुछ वर्क दे रही हूँ, आप लोग इसे नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा और मैं नेक्स्ट डे इसे चेक करूँ, सॉरी जब स्कूल ओपन होगा तो मैं इसे चेक करूँगी. ओके, इसे नोट करके आप लोग लर्न कर लीजिएगा. थैंक यू.